हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, कल 20 अप्रैल है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कल की हम वीकली एक्सपायरी को कैसे लॉजिकली ट्रेड कर पाएँ ताकि हम एक प्रॉफिटेबल एक्सपायरी में उसे कन्वर्ट कर पाएँ। तो हम ये जानेंगे कि कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पर हम एग्जिट करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स है, और कहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने के मैक्सिमम चांसेस देख रहे हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है दो पार्ट में हमेशा की तरह डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या आप सेंटिमेंट कह सकते हैं उसे रीड करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटिमेंट है वो हमें इस बात के इंडिकेशन दे देता है कि हम कहाँ कल ओपन हो सकते हैं। हम गैप अप भी हो सकते हैं, गैप डाउन भी हो सकते हैं, और फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली ट्रेड हमें 3:30 बजे तक करना है, और 3:30 बजे तक अगर हमें प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेड करना है तो हमें लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो हम सेकेंड हाफ में लेवल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अगर ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करें तो सबसे पहले देखते हैं कि कल यूएस की मार्केट कहाँ पे बंद हुई है। तो कल यूएस की मार्केट एक फ्लैट नोट पे बंद हुई थी। डाउ अराउंड 10 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव क्लोज हुई थी। नेस्डेक 5 पॉइंट्स के अराउंड नेगेटिव क्लोज हुई थी। तो कल अगर हम यूएस की बात करें तो वह एक टोटली फ्लैट नोट पे बंद हुई थी। अगर अभी देखेंगे यूरोपियन मार्केट कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं तो सारे यूरोपियन मार्केट हल्की फुल्की नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहे हैं। कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, सब अराउंड 0.13% ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि सब नेगेटिव में ट्रेड हो रहे हैं। अब यूएस के फ्यूचर्स देखें कहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। तो यूएस के फ्यूचर्स अगर आप देखोगे वो भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहे हैं। डाउ लगभग 100 पॉइंट नीचे उसके फ्यूचर्स ओपन ट्रेड कर रहे हैं, और नेस्डेक के फ्यूचर भी 100 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो ग्लोबल मार्केट हल्के से नेगेटिव या फ्लैटिश नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, हल्के फुल्के नेगेटिव और फ्लैटिश नज़र आ रहे हैं। अगर ये सेंटिमेंट ऐसे ही रहते हैं कल सुबह तक तो ये हमारी मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। और अगर ग्लोबली कोई बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो फिर हम अपने नॉर्मल एक्सपायरी के हिसाब से ही ओपन होंगे। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट का मूड रीडिंग थी। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज की मार्केट में क्या हुआ। आज की मार्केट रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट थी, आप कह सकते हो। निफ्टी अगेन वही 16600 से 700 के बीच में ऑक्सिलेट करती रही। 16600 से 700 का अगर आप देखोगे जोन, आपको ऑप्शन चेन भी दिखा रही है कि 600 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड 700 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओआई डाटा। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन है, एक्सपायरी कल की है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है 17700 पे दिख रहा है, उसके बाद 17800 पे दिख रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि अपसाइड तो लिमिटेड है, अपसाइड 700 800 से ज़्यादा की है निकल के एक्सपायरी में। और जो सपोर्ट दिख रहा है पहले वो 17600 पे था, बट थोड़ा सा शिफ्टिंग हो चुकी है लास्ट ऑफ द मार्केट में। 17500 पे सबसे स्ट्रांग दिख रहा है 89 लाख का, 600 पे 84 लाख का दिख रहा है। कोई बड़ा इम्पोर्टेंट वो नहीं है, ड्रास्टिक डिफरेंस दोनों के बीच में। तो अपसाइड और डाउनसाइड लिमिटेड ही नज़र आ रही है। उधर मैक्सिमम 500 डाउनसाइड नज़र आ रही है कल, ऊपर 700 नज़र आ रही है। तो हम एक रेंज बाउंड एक्सपायरी कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 2-3 हफ्ते से काफ़ी मोमेंटम में चल रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट आ रेंज बाउंड एक्सपायरी टुमारो। ठीक है, उसके बाद निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी 2 दिन से 42200 से 250 के जोन को सेव कर रही थी, आज उसे गिव अप कर दिया है। बट स्टिल अच्छी बात है, 42000 को स्टिल होल्ड करा हुआ है। अगर हम ऑप्शन चेन की प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहें बैंक निफ्टी को, तो अगर हम बैंक निफ्टी को ऑप्शन चेन के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहें तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है कल की एक्सपायरी की। सपोर्ट 42000 पे नज़र आ रहा है, और रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे तो वो नज़र आ रहा है 42500 पे, जो अल्टीमेट लेवल दिख भी रहा है बैंक निफ्टी का टेक्निकल से भी। तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड एक्सपायरी की तरफ इंडिकेशन कर रही है, जिसमें अपसाइड 500 है और डाउनसाइड अभी के हिसाब से 42000 नज़र आ रही है। तो अगर हम कल की एक्सपायरी की बात करें तो हम एक रेंज बाउंड एक्सपायरी विटनेस करना चाहिए हमें। निफ्टी की रेंज तो बहुत छोटी है,
500 से 700 के इन बिटवीन। बैंक निफ्टी की रेंज भी इतनी कोई बड़ी नहीं है, अभी के डाटा के हिसाब से 42 से 4500 के बीच में होगी, जिसके बीच में दो तीन दिन से बैंक निफ्टी घूम भी रही है। आज भी बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव बन रही है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है, धीरे धीरे डेली 13 EMA की तरफ प्रोसीड कर रही है, जो काफ़ी क्रूशल लेवल रहेगा। वहाँ पे 17,500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी आ रहा है, तो ये जोन निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका ब्रेक होना इज अ डिसअपॉइंटिंग थिंग, निफ्टी फर्दर करेक्ट हो सकती है, बट यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है तो हम वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट बाउंस बैक। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ये रहा डेली चार्ट, दो दिन से 42 से 4250 42200 से 250 के जोन को बचा रही थी, उसे गिव अप कर दिया। 13 EMA तो स्टिल काफ़ी दूर है, बट यही है कि अगर 42,000 के जोन को गिव अप कर देती है तो हम एटलीस्ट 500-700 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जहां करंट जंक्शन पे अभी है बैंक निफ्टी। तो ये एक बार आज के मार्केट का रिव्यू था और एक एक्सपेक्टेशन थी कल की एक्सपायरी की। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कल के। तो जो निफ्टी के लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो 17 लेवल्स बताने से पहले एक चीज़ की जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, ये फ्यूचर्स के लेवल नहीं है, यानी इंडेक्स के स्पॉट के लेवल है। अगर आप इसमें एंट्री बनती है तो फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन सी लोगे स्ट्राइक, जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली ले सकते हो। अब दो टाइप की एंटिटी होती है, एक सेलर एक बायर, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं। अगर आप सेलर हैं तो 17,850 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,350 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, और अगर आप रिस्क लेना चाहो तो यहाँ 800 भी कर सकते हो, 800 सेफ रहेगा, नीचे 350 कर सकते हैं या थोड़ा सेफ रखना चाहो तो इसके साथ आप जा सकते हो। अगर आप बायर हो तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि वो इजिली ग्रैब हो पाए। ठीक है, तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, और एक बार 15 मिनट के चार्ट में आज को भी रिव्यू कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज मार्केट यहाँ कहीं पे खुली थी, ये आज की पहली कैंडल है, और एक लेवल था 17,600 का, जिसके पास बाद में आई थी। अगर आप वीडियो देखोगे 17,600 का बेसिकली एक जोन था यहाँ पे, और एक लेवल था अपना 17,750 का। लेवल्स पे गई नहीं क्योंकि आप रेंज बाउंड मार्केट थी, ऑप्शन सेलर के फेवरेबल मार्केट थी। अगर आप देखोगे तो 13 EMA के ऊपर नीचे ही घूमती रही है। यहाँ पर इसने एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट किया एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, एक कैंडल सस्टेन भी करी है, तब एक एंट्री ले सकते थे। 17,600 का जोन आ रहा था वो टारगेट होता, या एक एंट्री तब ले सकते थे जब 17,600 के जोन में आके यहाँ पे बुलिश हरामी बनाया था। फर्स्ट टारगेट आपका 13 EMA हो जाता, सेकंड 17,750 हो जाता, बट मार्केट मोमेंटम लेस था आज। कल हम एक्सपायरी की तरफ ही प्रोसीड कर रहे हैं, काफ़ी मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी, छोटी छोटी दो तीन मूव की अपॉर्चुनिटी थी, वो आपने ग्रैब कर ली तो ठीक है, बाकी जो मार्केट था वो ऑप्शन सेलर ही का था। ठीक है, अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें वो बाद में कर लेते हैं, पहले इसके लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, तीन टाइम की ओपनिंग हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है वो एक फ्लैट ओपनिंग की दिख रही है, बाकी गैप अप या गैप डाउन भी हो सकता है। तो गैप अप के केस में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर निफ्टी गैप अप हो तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो अगर 17,750 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, तो अगर निफ्टी गैप अप होती है इसका हल्का सा नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी, और क्लोजिंग ऊपर दे देती है, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम। कौन सी कॉल बाय करोगे, जस्ट आउट द मनी। ऊपर या कहीं भी खुलने के बाद क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल 15 मिनट के नीचे क्लोजिंग दे दे, इट्स अ पुट टाइम। आप पुट बाय करोगे, कौन सी करोगे, जस्ट आउट द मनी। जब आप कॉल बाय करोगे टारगेट आपका 860 से 900 का जोन होगा, पुट बाय करोगे तो टारगेट 587 से 600 का जोन आ रहा है वो होगा। जस्ट आउट द मनी वाली करनी है जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आपको डेल्टा के बारे में नहीं पता, कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है, तो ऑलरेडी हम डेल्टा पे डिटेल वीडियो बना के डाल चुके हैं अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉसेस क्या लेंगे, स्टॉप लॉस हम लेंगे कॉल के केस में 17,750 का लेवल है तो इसमें -50 पॉइंट्स कर देंगे, और SL पुट के केस में क्या लेंगे 17,750 के लेवल में 50 पॉइंट ऐड कर देंगे। ये इंडेक्स के टर्म में, अगर आपको प्रीमियम के टर्म में जानना है 0.4 डेल्टा है, 50 × 0.4 20 होता है, तो 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे, सिंपल है।
होपफुली गैप अप के केस में कैसे हैंडल करेंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं फ्लैट के केस में, जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि एक रेंज बाउंड एक्सपायरी हम वेटनेस कर सकते हैं। तो फ्लैट ओपन होते हैं मतलब 17,600 के आसपास ओपन होंगे, ठीक है। अब एक जोन आ रहा है 13 पॉइंट का, 17,600 से 17,587। तो ओपन होने के बाद अगर इस पे आती है, इसे ब्रेक कर देती है, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाती है नीचे, इट्स अ पुट टाइम 17,500 के टारगेट के साथ पुट बाय करोगे, जो ऑप्शन चेन से सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नजर आ रहा है, ठीक है। और लेट से गिर के आती है, इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, कोई बाइंग सिग्नल बना देती है, आप कॉल बाय करोगे, टारगेट 17,750 तो नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। 13 EM है उस वक्त, जहां पे भी होगा वो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट आप ऑप्शन चेन से जो रेजिस्टेंस आ रहा है 17,700 को रख सकते हो, ठीक है। ये था फ्लैट के केस में, कि फ्लैट के केस में अगर करें तो हम क्या करना है। दूसरा फ्लैट के केस में ये कह सकते हैं कि खुलने के बाद अगर ऊपर जाए 17,700 पे और कोई बेरिश सिग्नल बनाए 17,700 से या 17,750, जो 50 पॉइंट का जोन बन रहा है, क्योंकि 750 टेक्निकल से आ रहा है, 700 ऑप्शन चेन से आ रहा है, तो अगर इस जोन में कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो इट्स अ पुट बाय, और ब्रेक कर दे जिसके चांसेस बड़े कम है, तो आप बाय कर सकते हो। 17,856 से 900 का एक जोन आ रहा है। तो ये था फ्लैट के केस में हम कैसे हैंडल करें हमारी मार्केट को। तीसरा ये भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन ओपन होना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो गैप डाउन के केस में क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होने का मतलब एक छोटा गैप डाउन भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है। छोटा मतलब 17,600 से 587 का 13 पॉइंट का जोन आ रहा है, इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय, और क्लोजिंग ऊपर ही दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ कॉल बाय। पुट बाय करेंगे तो टारगेट 17,500 होगा, कॉल बाय करेंगे तो टारगेट 700 से 750 का जोन होगा। ये छोटा गैप डाउन था। बड़ा गैप डाउन कैसे हो सकता है कि 17,500 पे जो पुट राइटर बैठे हैं बिल्कुल उन्हें हिला दे निफ्टी, गैप डाउन होके 17,500 पे खुले, हल्का नीचे ऊपर कहीं भी, क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब फर्दर फॉल आ सकता है 17,400 तक, और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, पुट राइटर स्टिल अपनी जगह पे स्टिक है, और बल्कि ओआई बढ़ रहा है, तो ये हमारे कन्विक्शन को बढ़ाएगा। वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक टूवर्ड 17,587 से 17,600 के जोन में। तो निफ्टी का था कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो उस तीनों केस में उसको कैसे डील करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 42,41,701 से 750 का जोन, 500 से 369 का जोन, रेसिस्टेंस है 42.5 एंड 43, सेलर है तो 42,800 के ऊपर रह सकते हैं कॉल सेलर, पुट सेलर 41,500 के नीचे रह सकते हैं, बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम आज की बात करें तो आज मार्केट 19 था, तो यहाँ कहीं पर खुला था, और अगेन आप देख सकते हो 13 EMA आ रहा था और 200 से 250 का जोन आ रहा था, ये हमारा जोन था। यहाँ इसने ब्रेक किया है, एक कैंडल सस्टेन भी करा, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, 42,000 हमारा टारगेट होता जो यहाँ पे हिट हो गया था, और 42,000 पे आके इसने बुलिश थ्रस्टिंग बनाया था, तब हम एक कॉल भी बाय कर सकते थे। फर्स्ट टारगेट 13 EMA होता, सेकेंड टारगेट 42,200 से 250 का जोन होता जो यहाँ पे अचीव हो गया था। तो निफ्टी में उतनी अच्छी एंट्रीज बनी नहीं, बट बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी दो एंट्री बनी थी और दोनों ने परफेक्टली टारगेट हमें अचीव कर दिए थे। तो ये आज की बात थी कि आज के लेवल्स क्या थे। अब एक बार देख लेते हैं, ऑब्वियस अल्टीमेटली ट्रेड तो कल ही करनी है, तो पहले हम गैप अप से देख लेते हैं कि अगर हम गैप अप कल विटनेस करें तो कैसे डील करें। वैसे गैप अप होने के चांसेस कम ही नज़र आ रहे हैं, जो चांसेस नज़र आ रहे हैं ज़्यादा वो फ्लैट के ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो गैप अप से देख लेते हैं एक बार कि गैप अप के सिनेरियो में कैसे डील करना है। तो अगर निफ्टी गैप अप, सॉरी बैंक निफ्टी गैप अप होती है, बैंक निफ्टी भी बंद हुई है 42,150 के अराउंड, गैप अप हो सकती है। गैप अप होने का क्या मतलब है कि जो 200 से 250 का ये जोन आ रहा है 50 पॉइंट्स का, इसके ऊपर नीचे या बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ कॉल टाइम, 42,500 आपका टारगेट होगा, जो ऑप्शन चेन से भी सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है, और क्लोजिंग नीचे दे दे, सस्टेन करे, इट्स अ पुट टाइम,
42,000 आपका फर्स्ट और 41,701 से 750 का जोन सेकंड टारगेट होगा। बाय कौन सी करनी है? जस्ट आउट द मनी, दोनों केस में कॉल एंड पुट। स्टॉप लॉस क्या होगा? सीधे मैं प्रीमियम के केस में ही बता देता हूँ। प्रीमियम के केस में आप 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 पॉइंट्स हम नीचे लेते हैं बैंक निफ्टी में, 100 × 0.4 25 ही होता है, तो 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। लेनी आपको जस्ट आउट द मनी है, मैं लिख देता हूँ जस्ट OTM C और P, ठीक है जी। तो ये आपका सिनेरियो रहेगा अगर आप उसके साथ डील करते हैं। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो ये था कि अगर हम गैप अप हो तो कैसे हम मार्केट को डील कर पाए, ठीक है। इसके बाद फ्लैट भी हम ओपन हो सकते हैं। फ्लैट ओपन होने का मतलब है 42,150 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाना। अगर 42,150 के आसपास कहीं ओपन हो जाती है तो आपको वेट करना पड़ेगा। नीचे गिरती है, 42,000 को ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है उसके नीचे, तो इट्स अ पुट टाइम। 41,701 से 750 टारगेट होंगे और क्लोजिंग नीचे ब्रेक नहीं कर पाती है, बाइंग सिग्नल बना देती है 42,000 पे, तो इट्स अ बाउंस बैक टाइम। 200 से 250 के टारगेट को लेके कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर राइज होती है, 200 से 250 का जोन आ रहा है, इसको ब्रेक कर देती है फॉर एग्जाम्पल, और एक कैंडल सस्टेन भी कर देती है, तो 45,500 के टारगेट के साथ बाय करेंगे। और ब्रेक नहीं कर पाती है, सेलिंग सिग्नल देती है, तो इट्स अ पुट टाइम। 42,000 के टारगेट के साथ पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो ये था फ्लैट के केस में हम कैसे डील करें, कैसे मार्केट के साथ ट्रेड करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गैप डाउन का केस देख लेते हैं। गैप डाउन क्या हो सकता है कि 42,000 के नीचे खुल जाए। जो पुट सेलर है स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा पैनिक कराने के लिए, तो 42,000 के नीचे या बराबर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम। 41,701 से 750 टारगेट होंगे। नीचे खुल के क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल टाइम। 42,200 से 250 का जोन आपका टारगेट होगा। तो ये हमारे लेवल्स थे कि हम कैसे कल गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के केस में निफ्टी बैंक निफ्टी में डील करें। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में, जिसकी कल एक्सपायरी नहीं है बट आप ट्रेड तो कर सकते हो। सपोर्ट 18,750, 481 से 548 का जोन। रेसिस्टेंस है 875 से 900, 19,000। फाइनेंशियल निफ्टी दोनों इंडेक्सेस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को आउट परफॉर्म कर रही है, 750 पे कंसोलिडेट हो रही है। ऑप्शन सेलर है 925-9250 के ऊपर रह सकते हैं और पुट सेलर 18250 के नीचे रह सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, आप इसे 19100 रख सकते हैं। बायर है तो ये लेवल्स आपके सामने रहे। तो ये हमारी कल की प्रिपरेशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस कल की मार्केट में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। कंक्लूजन यही है, हम एक रेंज बाउंड एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें निफ्टी की डाउन साइड जो पॉसिबिलिटी है वो 18,500 है और अपसाइड 700 से 750, 90 से 95% चांस है इसी के बीच में कहीं एक्सपायरी होगी 500 से 700 से 750 के जिन में। ये 250 पॉइंट का जोन है, इसके बाहर नहीं जाएगी निफ्टी। बैंक निफ्टी में 42,000 मेरे ख्याल से सस्पेंस लेवल होना चाहिए और बैंक निफ्टी एक बार 42,000 जरूर ब्रेक करना चाहिए कल के मार्केट में। और सस्पेंस लेवल यही होना चाहिए कि वेदर ये 42,000 के ऊपर एक्सपायरी करेगी या नीचे। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की 500 पॉइंट की रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नीचे 41,700 से 750 का जोन और ऊपर 42,200 से 250 का जोन। तो ये 500 पॉइंट के इन बिटवीन 90 से 95% एक्सपायरी होनी चाहिए। तो ये कंक्लूजन थे, एंड करते हैं वीडियो को। पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आप कुछ सीख सको, मोटिवेट हो सको और लॉजिकल ट्रेडिंग कर सको, बहुत खुशी होगी ये देख के। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच। एक ज़रूरी चीज़, ये जो एनालिसिस है मेरे ही है, जब मैं कल अपनी हार्ड एंड मनी लगाऊंगा तो ऐसे लगाऊंगा ये सोच के मैंने करी है। आपको अपनी हार्ड एंड मनी लगानी है तो अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए, इससे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस आपकी होगी, प्रॉफिट आपका होगा एंड लॉस भी आपका होगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग, बी हैप्पी।